हमारी पेंशन में बढ़ोतरी करो, बढ़ोतरी करो, हमारी पेंशन में बढ़ोतरी करो, बढ़ोतरी करो, हमारी पेंशन में दिव्यांग यूनियन जिंदाबाद, भारतीय दिव्यांग यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आराम से अपील कर रहे हैं कि जहाँ कहीं भी इनका पता हो हमें बताने की कृपा करें, ताकि हम पूरे उत्तर प्रदेश के विकलांग लोग इनके पास जाए और ये पूछे, इनसे सवाल जवाब करें कि हमने आपको मंत्री किस लिए बनाया था। किसके पोस्टर लगा रहे हैं? ये है जी अनिल राजभर, ये दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के, कल्याण विभाग के मंत्री है, और 2017 में हम लोगों ने भी इन्हें वोट देकर मंत्री बनाए थे। पूरे 4.5 साल हो लिए आज तक ना जिला मुजफ्फरनगर में आए और ना हमने इनकी कोई घोषणा सुनी कि दिव्यांग विभाग के लिए इन्होंने कोई घोषणा करी हो। मेरा नाम नीटू कश्यप है और मैं भारतीय दिव्यांग यूनियन से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये पोस्टर लगाए गए जी, ये पोस्टर इसलिए लगाए गए सर, 2017 में हमने इनको मंत्री बना के भेजा था। हम दिव्यांग समाज ने, अनिल राजभर है जो दिव्यांग जन कल्याण विभाग के मंत्री है, पिछड़ा विभाग भी इन्हीं के पास है, और हमने 4.5 साल से ना तो इनको कोई घोषणा करते हुए देखा है कि दिव्यांग भाइयों के लिए इन्होंने ये घोषणा की है, और ना ही कभी ये जिला मुजफ्फरनगर या इधर उधर हमने देखा है किसी प्रकार। आज मजबूरन हम काफ़ी समय से यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हुई है किसी स्तर की भी, ना कोई कैंप लगे हैं इन्होंने, ना कोई आज लोग कोई विभाग में भर्ती करी है, तो आज मजबूरन हमें ये लापता के पोस्टर लगाने पड़े हैं। और आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के नागरिकों से अपील यही करते हैं कि कहीं भी अगर हमारे मंत्री जी मिले, हमें पता बताने की कृपा करें, ताकि हम सब दिव्यांग वर्ग इनके पास अपनी समस्या लेकर पहुँचे और इनसे सवाल जवाब करें कि आपने हमारे लिए क्या किया है। जब आपने इन्हें मंत्री बनाया, जब क्या उम्मीद थी आपकी? उम्मीद ये थी जी कि नई सरकार है, पिछले में तो बहुत पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि हमारे लिए जैसे दिव्यांग नाम रख दिया
तो जैसे दिव्यांग नाम रखा है ऐसे हमारी योजना है, हमारा जो सशक्तिकरण है ये भी होगा, लेकिन इनसे हमें जो उम्मीद थी वो कुछ भी नहीं हुई है हासिल, जीरो है। पिछली सरकार ने तो थोड़ा बहुत किया भी है हमारी सरकार हमारे लिए, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल ही जीरो किया है। काफ़ी दिनों से धरना हमारे कई, एक तो है जी कि BPL श्रेणी में हम लोगों को शामिल किया जाए, प्रथम मांग ये है। द्वितीय, कोरोना जैसी स्थिति में हम लोगों के जो छोटे मोटे रोजगार थे वे सब ठप हो गए, तो हमें सरकार की गारंटी पर लोन मिले जिससे हम अपना रोजगार पुनः स्थापित कर सके, और हमारी पेंशन जब महंगाई 10 गुना बढ़ चुकी है तो हमारी पेंशन को भी 10 गुना बढ़ाया जाए, यानी कि 5,000 रुपये महीना इसकी पेंशन करी जाए। जब योगी सरकार महात्माओं को, योगी को 2,000 रुपये महीना पेंशन दे सकती है, जो भिक्षावृत्ति करके भी ले सकते हैं, हम तो कोई ना भीख मांग सकते ना मेहनत मजदूरी कर सकते, तो हमारी भी पेंशन 5,000 की जानी चाहिए। जब एक देश एक राशन एक पेंशन एक कानून है तो एक पेंशन क्यों नहीं हो रही है? दिल्ली में 3,000 है, हरियाणा में 2,500 है, हमारे UP में ही 500 रुपये की है, और वो भी 3 महीने में एक बार। अच्छा मंत्री, वो विधायक बनते हैं जो वो नहीं बन पाते तो उनकी पेंशन भी आती है जी, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, जैसे आपको भी नहीं मिल पा रही? किस नज़रिए से, मतलब समझेंगे सर? देखो ज़्यादातर लोग अब जो इस प्रकार के व्यक्ति है आ रहे हैं कि उसमें राजनीति में आ जाए कि भाई पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, ऐसा आराम की ज़िंदगी मिलना शुरू हो जाएगी, वे हम लोगों के लिए मंत्री नहीं बनते, वे तो अपने ऐसा आराम की ज़िंदगी के लिए मंत्री बनते हैं कि 5 साल चुनाव जीते या हारे अगली बार एक बार बन के आजीवन उन्हें पेंशन तो मिलनी है। हम लोगों का क्या करें, हमें तो कोई मजदूरी पर भी नहीं रख रहा कहीं। लंबित भी है शायद, मांग भी उठी है कि सभी सांसद विधायकों की पेंशन खत्म होनी चाहिए, तब पता लगे उनको।